बाड़मेर शहर के चोटन चौराहे के पास इस्पात सेंटर में फांसी से लटका मिला युवक। साथियों, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, दरअसल ये तस्वीरें जो हैं बाड़मेर के चोटन चौराहे से ठीक थोड़ा आगे इस्पात सेंटर के अंदर 22 वर्षीय युवक का शव मिला है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पर मौजूद लोगों की मौजूदगी में शव को नीचे उतार कर बाड़मेर जिला अस्पताल मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस ने वहां पर रखे सभी सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग जो है वो भी जब्त की है। बताया जा रहा है कि प्रकाश सिंह, 22 वर्षीय प्रकाश सिंह, जो कि गांधीनगर निवासी था और उसका फांसी के फंदे से लटका शव जो है वो बाड़मेर के इस्पा सेंटर में मिला है। फिलहाल बाड़मेर पुलिस जो है पूरी जांच पड़ताल कर रही है और वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी पुलिस ने जब्त किए हैं। रिकॉर्डिंग पूरी की पूरी पुलिस ने जब्त कर ली है। हालांकि बाड़मेर के लोगों का लगातार पिछले कई दिनों से ये मांग थी कि यहाँ के इस्पात सेंटर बंद हो जाए, लेकिन इसके बावजूद भी इस्पात सेंटर जो है वो लगातार बाड़मेर में चल रहे हैं, जिसको देखते हुए आज ये घटना भी देखने को मिली। आप देख पा रहे हैं जैसे ही बाड़मेर शहर के चौटन चौराहे के पास इस्पात सेंटर में इस घटना की जानकारी आसपास के लोगों को मिली, तो आसपास के लोगों की वहां पर भारी संख्या में भीड़ जो है वो उमड़ी हुई नजर आ रही है। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में बाड़मेर शहर के चौटन चौराहे के पास की ये घटना। घटना को लेकर मौके पर पहुंची पुलिस का क्या कुछ कहना है, जरा आप आगे इस वीडियो में सुनेगा। अशोक सेरा पेज से मैं आपका साथी उमेश बैराणी, आगे की खबर के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रकाश सिंह पुत्र श्री पुष्पेंद्र सिंह निवासी गांधीनगर, उम्र 22 साल, ने यहाँ चौटन रोड पे मकान में फांसी लगाई है, जिसकी इतला पर मौके पर पहुँचे FSL टीम को भी बुलाया गया, MOB टीम को भी बुलाया गया, वीडियोग्राफी करा के आवश्यक कार्यवाही करा के डेड बॉडी को हॉस्पिटल रवाना किया गया। परिजनों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। सर, इसका सेंटर बताया जा रहा है ये जी? जी, इसका सेंटर बताया जा रहा है। हाँ, ये मैं इस कह रहे हैं कि ये पहले इसमें स्पा में कहीं काम करता था किसी के साथ में, और आज रात्रि में करीब 1:30 बजे के बाद में इसने कमरा बंद कर लिया। सर, यूट्यूब पे आरोप लगाए, कोई किसी लड़की पे आरोप लगाए कि उस लड़की की वजह से अभी परिजनों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर और इस संबंध में जो भी आवश्यक तथ्य है जो जांच आए करेंगे, जांच जारी है। सर, कमरे में और क्या चीज मिली है? एमडी नहीं, इस प्रकार का कुछ भी कोई नहीं मिला है, कुछ खाली बोतल है। हाँ, सबको मोर्चरी में रखवाया गया, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। सीसीटीवी भी लगे? हाँ, यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे, सीसीटीवी कैमरों को भी जांच की जाएगी। ठीक, ओके।